डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस ने गोल गांव के एक फार्म हाउस पर चल रही अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब और शराब बनाने की मशीनें भी जब्त की है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के लगे समीपस्थ राजस्थान के सराउंडिंग जिलों में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाने की खबरें आती रही है, जिसका भंडा उस समय फूटा जब एसपी डूंगरपुर जय यादव ने मुखबिर की सूचना पर 22 अक्टूबर की रात गोल गांव में उप सरपंच के फार्म हाउस पर दबिश दी। पुलिस को देखकर फार्म हाउस में मौजूद लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। उसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस की तलाशी ली तो देखा कि वहां पर अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री संचालित थी। पुलिस ने मौके से 75 कार्टून नकली अंग्रेजी शराब, 2 ड्रमों में भरी हुई 310 लीटर शराब, शराब बनाने की मशीन, पैकिंग मशीन, 300 लीटर स्पिरिट, 2 कार और 1 बाइक के साथ भारी मात्रा में खाली बोतलें जब्त की है। हमने हमारी काफ़ी हम तब से काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे, हमें इसी सूचना इनपुट मिल रहे थे कि आसपुर के आसपास क्षेत्र में कहीं नकली शराब का कारोबार चरम सीमा पर हो रहा है, ऐसे हमें काफ़ी इनपुट मिल रहे थे। तो हमारी टीम इसमें लगातार प्रयास में लगी हुई थी। आज करीब 6:30 के आसपास हमें मुखबिर से सूचना मिली कि आसपुर के पास जो गोल कस्बा है उसके अंदर BSNL टावर के पास एक नकली शराब की फैक्ट्री है, जहाँ पर नकली शराब बनाई जा रही है। अगर मौका देके उस पर दबिश दी जाए तो हमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस पर हम थानाधिकारी रिजवान खान और मेरे साथ हेड कॉन्स्टेबल संजय, रणधीर, गणपत, राजेंद्र सिंह और लोकेंद्र सिंह, हम सभी मुलाजमान वहाँ गए और हमने जब देखा तो उसको एकदम जब हम एक वहाँ पे फार्म हाउस टाइप बना हुआ था उसके अंदर अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते हमें टवेरा गाड़ी दिखी, टवेरा गाड़ी के अंदर हमने जब देखा तो उसमें कुछ शराब की पेटियाँ रखी हुई थी। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक हुंडई गेट्स गाड़ी मिली, उसको हमने चेक किया तो उसके अंदर भी कुछ शराब के कर्टन रखे हुए थे। फिर हमने पास में एक जो मकान बना हुआ था उसको खोल के देखा, उसको खोल के देखने में जैसे हमने देखा उसको तो उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर नकली शराब बनाने के साधन, खाली बोतलें, ढक्कन, उसके रेफर्स, उसके अलावा ये और करीब शराब की पेटियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी। पास में 2-4 ड्रम पड़े हुए थे, उसको भी हमने जब खोल के देखा तो 2 ड्रम के अंदर तो नकली शराब बनी हुई पड़ी हुई थी और 2 ड्रम के अंदर स्प्रिट था। जब हमने हमारे अनुसंधान सामग्री या दूसरी चीज से मापतोल करवा उसमें देखा तो करीब 78 पेटी हमें शराब उसके अंदर मिली है और 2 ड्रम शराब जो करीब 310 लीटर होती है वो नकली शराब मिली और करीब 275 लीटर के आसपास स्प्रिट भी हमें मिला है। आसपास पता करने में पता चला कि उप जमीन है, ये जमीन जो गोल के उप सरपंच है गोपाल जी उनकी जमीन है और धंधा गोपाल जी और उनका पुत्र धर्मेंद्र दोनों मिलकर करते हैं। इसमें अनुसंधान जारी है और आगे कड़ी से कड़ी खोल के इसका और प्रयास किया जाएगा। यह राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी कार्रवाई नकली शराब की और हमारा प्रयास है कि इसके जो अंतिम तक कड़ी है वहां तक हम पहुंचे। वॉइस ऑफ MP के लिए नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।